लेकिन ये लोग आके मारने लगे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा ये है और तुम एमआर हमारा कर क्या लोगे, हमारी यही मस्जिद बनी हुई है, यही मस्जिद है, हम हमारा यही गढ़ है। इन्होंने ये करके मारने लगे, मारते मारते रॉड इन्होंने दो तीन बार मारी, हमारे सर के भी लगी, हमारे भी दो तीन बार रॉड यहाँ लगी सर पे। जी हाँ, एक छोटे से विवाद को लेकर लखनऊ के अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में बवाल मच गया। देखते ही देखते मेडिसिन मार्केट में एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भीड़ लग गई, हल्ला होने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने घने मार्केट में ये बवाल मचा, लेकिन यहाँ की पुलिस मामले से दूर रही। बताया जा रहा है कि ये मामला 27 दिसंबर का है। इसे लेकर एक मेडिसिन कंपनी के एमआर ने पूरा किस्सा बताया। सीगल फार्मास्यूटिकल से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कल हम लोगों की क्लोजिंग थी तो हम लोग मार्केट में गए हुए थे। मार्केट में क्लोजिंग करते वक्त हम लोगों ने सर, क्लोजिंग जब कंप्लीट होने वाली थी तो सर ने कहा कि चलो चाय पीते, हम लोग चाय पीने चले गए। चाय पीने जब हम लोग गए तो पंडित जी वहीं ग्लोब के पास, पंडित जी हैं तो वहीं हम लोग चाय पी रहे हैं। गए तो चाय जब बन रही थी तो हम लोग वहीं खड़े हो गए थे, बाइक खड़ी हुई थी, उसके हैंडल पे हाथ मेरा रखा, मैंने रख दिया था। तो इनके जो मतलब ये एसआर सर्जिकल के जो ओनर हैं वो आए गाली, तो वो बाइक किसकी थी? वो बाइक किसी और की थी, बाइक पता नहीं उनकी भी नहीं थी, बाइक किसी और की थी। और मतलब बाइक आपकी नहीं थी? बाइक हमारी नहीं थी ना, बाइक किसी, बस मैंने हैंडल पे हाथ रखा। तो इन्होंने आके मतलब इन्होंने कहा कि लो पेचकस से खोल दो और गाड़ी दो और यहाँ रह रहो, ये हम कर देंगे, अमीनाबाद हमारा है और हम इसको मतलब अगर। ये बात आपसे किसने कही? ये एसआर सर्जिकल के ओनर ने कही थी। बहस हुई, इन्होंने गाली गलौज काफी करी, बट हमारी टीम के जो मतलब लोग थे इन्होंने मतलब फिर भी बातचीत हुई, शांत हो गया। हम लोग फिर चाय की दुकान पर आके चाय पीने लगे। उसके बाद इन्होंने अपने भाई तौसीफ को बुलाया, वही जो अंदर था उसको बुला के इन्होंने कहा कि ये लोग हैं। उनका नाम क्या है, नाम आपको क्लियर पालू? मुझे एसआर सर्जिकल का एक का नाम पता है, दो लोग वहाँ बैठते हैं, एक तौसीफ है, एक और वो दाढ़ी है, तौहीद कुछ नाम है, तौहीद उसका नाम नहीं पता, तौसीफ एक का तो पता है। तो इसने फोन किया, मतलब अंदर ही से आए ये लोग, फोन करके बुलाए, अंदर से निकले मस्जिद के, वही अंदर से आके कहने लगे ये अमीनाबाद हमारा है, कौन है ये, हमारे लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, ये साले आए दिन। और इन्होंने पहले कई बार अभद्रता की है, गाली गलौज की है इन लोगों को। हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें गाली गलौज ये लोग करते हैं और अवैध वसूली भी करते हैं ये लोग, तौसीफ और ये एसआर सर्जिकल वाले। तो इन्होंने आके वो लाल वाला था वो मतलब आके हमारे यहाँ आपके लोहे की रॉड भी मारी गई, लोहे की रॉड उसने अपनी दुकान से निकाली, वो पहले तो आके धक्का देने लगा हमारे सर को, उसने सर को उसने धक्का दिया। धक्का देने के बाद उसने मतलब काफी दो तीन लोग और उसके आ गए, जिनमें से दो तीन लोगों में मैं उसको जानता हूँ, उसके भाई को, दो लोग और हैं जिनको मैं भाई फेस से, एक दाढ़ी वाले हैं, एक पीछे से उसने डंडा, हम लोगों का मतलब कॉलर वॉलर फट गया था, शर्ट वगैरह सब फट गई थी, ये मार रहे थे। तो हम लोग बीच में उसमें छुटाने गए कि हम लोग ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा मेडिकल रैप हैं तो कोई अवस्था है नहीं, डेली जाना होता हम लोगों का, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये लोग आके मारने लगे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा ये है और तुम एमआर हमारा कर क्या लोगे, हमारी यही मस्जिद बनी हुई है, यही मस्जिद है, हम हमारा यही गढ़ है। इन्होंने ये करके मारने लगे, मारते मारते रॉड इन्होंने दो तीन बार मारी, हमारे सर के भी लगी, हमारे भी दो तीन बार रॉड यहाँ लगी सर पे। कितने टांके लगे? हमारे 6 टांके समथिंग लगे। इस बवाल के बाद जब मामला थाने पहुंचा तो पीड़ित एमआर का कहना है कि एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं किया जा रहा था। पीड़ित का आरोप है कि कोई अधिकारी भी मामला दर्ज होने से रोकने के लिए आया था। उन्होंने बस कहा कि हाँ धीरे धीरे, उन्होंने कोई ऐसा मतलब स्पष्ट नहीं, वो एफआईआर भी अच्छे से लिख नहीं रहे थे, रात में रोक रहे थे। जब आप लोग सब लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा सब सीनियर लोग थे, काफी बोले, तब भी वो अंदर जाके, मैं अंदर था तो वो एक बार लिखवाने के लिए वो रोक रहे थे, दबाव बना रहे थे। उनके साथ का एक लोग कोई आया, कोई मतलब जो भी कोई अधिकारी या जो भी कोई, वो अंदर जाके हमारी यही अपील है कि हमें मतलब मारा गया तो हमें एकदम कम से कम जिसने मारा है वो पकड़ा जाना चाहिए और उनका बदला उन पे सही उचित। तो अमीनाबाद में उसके बाद मुझे लेकर ये चौकी पर गए, चौकी से थाने पर वो लोग सिर्फ बैठा ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्यवाही कोई सही कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में काम करने वाले सभी एमआर थाने के बाहर विरोध दर्ज करते नजर आए। सर साहब ने कहा कि भैया जा रहे हैं तो उसने कहा हटो, जो हटो नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे। उसने पलट के जवाब दे दिया, उसमें रॉड चल गई, लड़के का सर फोड़ दिया
आपके लड़के को बहुत गंभीर चोट आई है ना? गंभीर चोट आई है सर, उसका सर फोड़ दिया। कितनी देर पहले की बात है? कहाँ पे हुआ है ये? मेडिसिन मार्केट में, ब्लॉक के सामने, मधुमिलन के बगल में। स्टैंड भी जितने सब क्या हम चाहते हैं, हमारे साथ में जितने लोगों ने मारा है, क्योंकि वहाँ सब लोकल लड़के थे, वहाँ पे लोकल मारा है, तो उनको जो है कोरोना अरेस्ट करें। और सबसे मेन बात है कि आप अवैध वसूली करते हैं स्टैंड की, 50-50 रुपए की मोटरसाइकिल खड़ी करने का मांगते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में काम करने वाले एमआर का कहना है कि आए दिन यहाँ के लोकल लोग ऐसे बवाल करते हैं, अवैध तरीके से पार्किंग के पैसे लेते हैं। बरहा, यहाँ बड़ा सवाल पुलिस पर भी उठता है। तमाम एमआर और पीड़ित ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय पुलिस की ओर से फौरन कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।